हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर एंड किडनी के बीच रिलेशन के बारे में। सो नो द ट्रूथ फ्रॉम योर मेट, ट्रूथ मेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम ये सब जानने से पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है ये जान लेते हैं। हम जानते हैं कि द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज हार्ट एंड इट पंप्स ब्लड, जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू होल बॉडी में फ्लो करता है। एंड वो जब वेसल्स में फ्लो करता है उस वक्त दे एग्जर्ट सम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, सो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑन द वॉल ऑफ वेसल। एंड कॉन्ट्रेक्शंस के टाइम ब्लड मैक्सिमम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट अटेंड करता है, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एंड द रिलैक्सेशन के टाइम ब्लड वेसल्स मिनिमम ब्लड प्रेशर अटेंड करता है, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू नॉर्मली 120 mmHg होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू 80 mmHg होता है। एंड टुगेदर दे मेक नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो कि 120/80 mmHg होता है। एंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू ए वेसल कॉल्ड ब्लड वॉल्यूम, एंड इसी के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। हाई ब्लड प्रेशर मीन्स मोर ब्लड वॉल्यूम इज फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्मल ब्लड। लो ब्लड प्रेशर मीन्स लो ब्लड फ्लोइंग इन ए वेसल कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर। फ्रेंड्स, द बैलेंस ऑफ वाटर इन बॉडी इज मेंटेन्ड बाय किडनीज। अब हम देखते हैं हाउ डज सॉल्ट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। हम जो सॉल्ट यूज करते हैं वो नॉर्मली सोडियम क्लोराइड होता है, एंड हम जब ज़्यादा सॉल्ट ऐड करते हैं फूड में तो ब्लड का सॉल्ट लेवल इंक्रीज होता है। टू बैलेंस द एक्सेस सॉल्ट इन किडनी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करता है। दिस इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी, विच इन टर्न पुट्स एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। एंड अगर आप ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं डेली बेसिस, देन द ब्लड प्रेशर लीड टू हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। फ्रेंड्स, अगर किसी को भी हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर है, देन उसे हम नॉर्मल कर सकते हैं, वो कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यूज एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऑन ए डेली बेसिस एंड स्टे हेल्दी। फ्रेंड्स, ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।